वर्ल्ड एक्टिविटी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जून को। वर्ल्ड एक्टिविटी डे हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम एंड द इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉर्पोरेशन। ये IAF और IAEA दोनों मिलके वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे को एस्टैब्लिश किया है। और एक्रीडिटेशन जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करने में। इस साल का थीम है एक्रीडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरमेंट। इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम का फाउंडेशन हुआ था 28 जनवरी 1993 को और इसका इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉर्पोरेशन का फाउंडेशन हुआ था अक्टूबर 1977। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे कब मनाया जाता है 9 जून को। इसको किसके किसके द्वारा मनाया जाता है IAF और IAEA के द्वारा। इस बार का थीम क्या है इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम का फाउंडेशन कब हुआ 28 जनवरी 1993 को और इसका इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉर्पोरेशन का 1977 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 8 जून विद एन एम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ब्रेन ट्यूमर। ये ब्रेन ट्यूमर से अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है 8 जून। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। दो तरह का ब्रेन ट्यूमर होता है, एक होता है नॉन कैंसरस बिनाइन इसका नाम है, दूसरा है कैंसरस इसका नाम होता है मैलिग्नेंट। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पोर्टल एवरी डे हर वीक नेशनल हेल्थ पोर्टल के द्वारा मोर देन 500 न्यू केसेस आर डायग्नोस्ड। 589 से ज्यादा डायग्नोसिस किया जाता है इसमें ब्रेन ट्यूमर के केस में। तो इसलिए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को। इस साल का थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन जून 8, 2000। पहली बार इसको 8 जून 2000 को ऑब्जर्व किया गया था बाय द जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन। जर्मनी का एक ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन है डचेस एंड टू मोर हिल्फे ईबी फॉर सपोर्टिंग ब्रेन ट्यूमर पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1998। इसको फाउंड किया गया 1998 में एंड एस 500 रजिस्टर्ड मेंबर फ्रॉम 14 नेशन 14 नेशन से इसमें 500 रजिस्टर्ड मेंबर। ये 2000 से मनाया जा रहा है 8 जून 2000 से वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है 8 जून को। इस साल का थीम टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। और 9 जून को क्या मनाया जाता है वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, उसका थीम एक्रीडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरमेंट। नेक्स्ट है UN टू ग्रांट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑफ $48 मिलियन टू श्रीलंका अमिड क्राइसिस। क्राइसिस के दौरान UN जो है वो ग्रांट के लिए $48 मिलियन का लोन देगा श्रीलंका को। यूनाइटेड नेशन हैज प्लान टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑफ अराउंड $48 मिलियन ओवर अ 4 मंथ पीरियड टू श्रीलंका। 4 महीने के टाइम पीरियड के लिए श्रीलंका को $48 मिलियन दे रहा है यूनाइटेड नेशन। न्यू दिल्ली फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ ओवर $3 बिलियन। न्यू दिल्ली का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो $3 बिलियन है सिंस जनवरी से टू प्रोवाइड एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड। कुछ एसेंशियल आइटम को प्रोवाइड कराने के लिए जैसे कि फूड है, फ्यूल है, कुकिंग गैस है और मेडिसिन है। श्रीलंका ने $6 बिलियन टू कीप द कंट्री अफ्लोट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अगले 6 महीना और चलाने के लिए श्रीलंका को $6 बिलियन की जरूरत है। एडिंग डेट 5 बिलियन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर डेली लिविंग एंड अनदर 1 बिलियन टू स्ट्रेंथन द श्रीलंकन रूपी, जिसमें से कि $5 बिलियन जो वो रिक्वायरमेंट है डेली टू डे लिविंग के लिए और बाकी का जो 1 बिलियन है वो श्रीलंका के रूपये को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए। टोटल 6 बिलियन का रिक्वायरमेंट है जिसमें UN $48 मिलियन दिया है और न्यू दिल्ली का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राइस जनवरी से $3 बिलियन। श्रीलंका का कैपिटल जयवर्धन ने पूरे कोटे, इसका करेंसी है श्रीलंकन रूपी, श्रीलंका के PM रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका का प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 टू बी हेल्ड ऑन 18 जुलाई। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 का ही है, 18 जुलाई को होगा। द इलेक्शन टू चूज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड ऑन July 18 एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस ऑन July 21। 18 जुलाई को इसका इलेक्शन होगा, 21 जुलाई को रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अनाउंस किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के द्वारा। द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड्स ऑन 24 जुलाई। रामनाथ कोविंद जो अभी प्रेसिडेंट है इनका टर्म एंड हो रहा है 24 जुलाई को। रामनाथ कोविंद हैड रिसीव्ड ओवर 65% वोट इन 2017। 2017 में इनको 65% से ज्यादा वोट मिला था। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन कम्प्राइजेस 776 MPs एंड 4033 MLA। जो इलेक्शन होता है इसमें 776 MP होते हैं, 4033 MLA और टोटल 4809। ये हो रहा है 18 जुलाई को और 21 जुलाई को इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा।
अंडर आर्टिकल 58 अ कैंडिडेट शुड फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी। आर्टिकल 58 के अंदर एक कैंडिडेट को कुछ जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसको फॉलो करना, मतलब उसको फुलफिल करने के बाद ही इलेक्शन में उसको कंटेस्टेंट बनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। पहला इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सिंह, क्या याद हुआ? पूरा अप्रूवल बता देना, उसको थोड़ा डाइवर्सिंग फाइन दी, आपको क्वेश्चन उसको गैस क्यों हो जाता है? सिंगल क्वेश्चन जोड़ना था, पहला क्वेश्चन था, खत्म हो गया। चलो पहला कौन सा इलेक्शन कमिश्नर नहीं पढ़े हैं? अच्छा ठीक है, कितना मिलियन का लोन दिया है? 48 का लोन दिया था, 3 बिलियन। और श्रीलंका को रिक्वायरमेंट कितना करे? 6 बिलियन डॉलर का, जिसमें से कि 5 बिलियन ये खर्च करेगा डे टू डे लाइफ के लिए और 1 बिलियन खर्च करेगा श्रीलंका के रुपी को मजबूत बनाने के लिए। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? 8 जून। और वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे? फोर्स के द्वारा रियल टाइम मिलिट्री का रिस्पॉन्स किया गया, इसमें मुकेश अंबानी जो है वो इंडिया के रिचेस्ट फैमिली है। रिसेंटली फोर्स रियल टाइम मिलिट्री लिस्ट वाज डिक्लेयर्ड, इट फीचर्ड द लिस्ट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन अराउंड द वर्ल्ड। चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुकेश अंबानी एंड चेयरपर्सन ऑफ अडानी ग्रुप गौतम अडानी आर ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 में इंडिया से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। इन द ब्लमबर्ग मिलियनरी इंडेक्स मुकेश अंबानी इज इन 8th पोजीशन। ब्लमबर्ग का जो मिलियनरी इंडेक्स लॉन्च हुआ था उसमें मुकेश अंबानी है। रवांडा रेडियो क्या है जिसके जिसको थोड़ा ज्यादा करेंट भी उसको पकड़ हो जाए? नहीं रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? सॉरी सॉरी प्लीज ध्यान। फोर्स के द्वारा रियल टाइम मिलियनरी लिस्ट लॉन्च किया गया, इसमें मुकेश अंबानी है टॉप 10। लंबा सा भी रिपोर्ट आया था उसमें टॉप 10 में अंबानी का 8वां पोजीशन था और गौतम अडानी का 9 नंबर का पोजीशन था और पूरे लिस्ट में एलन मस्क टॉप 10 थे। और इसमें भी वही है, एलन मस्क पे 1st नंबर पे, 2nd पे बर्नर अर्नॉल्ट, 3rd पे जेफ बेजोस, 4th पे बिल गेट्स, 5th पे वॉरेन बफेट, 6th पे मुकेश अंबानी और 7th पे गौतम अडानी। इसमें 6 नंबर पे मुकेश अंबानी है, 7 पे गौतम अडानी और लंबर वाले में 8 नंबर पे था मुकेश अंबानी और 9 नंबर पे गौतम अडानी। और ये जो लिस्ट है ये फोर्ब्स का है, एलन मस्क है टॉप है। एलन मस्क का नेट वर्थ है 219.4 बिलियन डॉलर। ये यूनाइटेड स्टेट्स है और ये टेस्ला कंपनी के सीईओ है और स्पेस एक्स है। और बर्नर अर्नॉल्ट एंड फैमिली, इनका टोटल नेट वर्थ है 156.5 बिलियन डॉलर। और ये फ्रांस से है, जेफ बेजोस का 150.5 बिलियन डॉलर, बिल गेट्स का 128.1 बिलियन डॉलर, वॉरेन बफेट का 112.8 बिलियन डॉलर, मुकेश अंबानी का है 103.2 बिलियन डॉलर और गौतम अडानी का 101 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है रामकृष्णा बुका बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिकॉग्नाइज बाई यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट एज ग्लोबल एसडीजी पायनियर। यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल कॉम्पैक्ट के ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पायनियर के रूप में इलेक्ट किया गया रामकृष्ण मुकाबिले को। ये पहले इंडियन हुए हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया इस पोस्ट के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एन इंडियन हैज बीन नेम्ड अ ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर फॉर वाटर स्टीवर्डशिप बाय द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, इनको यूएनजीसी के द्वारा इलेक्ट किया गया है। द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट हैज नेम्ड 10 न्यू एसडीजी पायनियर, इसमें 10 नए एसडीजी पायनियर का नॉमिनेशन किया गया था। वो आर कॉर्पोरेट लीडर्स वो आर एक्सलिंग इन एडवांसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि कॉर्पोरेट के लीडर्स थे और जो मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। और इसमें इंडिया के रामकृष्ण मुकाबिले को इलेक्ट किया गया। नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इंक्रीज फंडिंग फॉर द डीआरडीओ सीडीआर स्कीम टू रूपीज 50 करोड़। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑथराइज एंड इंक्रीज इन फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमई एंड स्टार्टअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड प्लान। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा ऑथराइज किया गया है और इंक्रीज किया गया है एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मिनिस्टर है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड में इसके लिए मतलब इंक्रीज किया है फंड को टोटल
The initiative which encourages the development and indigenous component product system and technology will now have a maximum project value of 50 crore. अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 50 करोड़ का होगा, जो कि पहले 10 करोड़ था, इसको बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया गया। और ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा बताया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड इन हर बजट एड्रेस दैट 25% ऑफ द डिफेंस R&D बजट विल बी एलोकेटेड टू प्राइवेट बिजनेस स्टार्टअप एंड यूनिवर्सिटीज। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा बताया गया है कि उनका उनके बजट में डिफेंस और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए 25% रखा गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और DRDO के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट इज वीआर जी ऑसर बिकेम फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कम्प्लीट ड्वेलिंग आयरन मैन ट्राइथलॉन। श्रेयस जी हॉसर ये पहले इंडियन रेलवे के ऑफिसर हैं जो कि कम्प्लीट किए हैं आयरन मैन ट्राइथलॉन को। क्रिएटिंग अ हिस्ट्री ऑफ सॉर्ट्स श्रेयस जी हॉसर बिकेम द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन रेलवे टू कम्प्लीट द ड्वेलिंग आयरन मैन ट्राइथलॉन कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट ये सिंगल डे का स्पोर्ट्स इवेंट है। इसका नाम है ट्राइथलॉन, आयरन मैन ट्राइथलॉन। और ये जीत लिए हैं इंडियन रेलवे के ऑफिसर श्रेयस जी हॉसर, और ये ऐसे पहले इंडियन बने द रेलवे के क्षेत्र में। दिस इवेंट इंक्लूड 3.8 किलोमीटर ऑफ स्विमिंग। ये जो सिंगल डे का इवेंट था इसमें 3.8 किलोमीटर का स्विमिंग था, 180 किलोमीटर का साइकिलिंग था और 42.2 किलोमीटर का रनिंग इवेंट था। ये कम्प्लीटेड द इवेंट इन 13 hours and 26 minutes। इनके द्वारा जो इवेंट है उसको कम्प्लीट किया गया 13 घंटे 26 मिनट में। और ये इवेंट हो रहा था हैम्बर्ग जर्मनी में। इसमें कौन जीते? श्रेयस जी हॉसर, ये इंडियन रेलवे से है। और ये जो मतलब ये जो जीते हैं उसका नाम है आयरन मैन ट्राइथलॉन। ये सिंगल डे का एक स्पोर्ट्स इवेंट था जो कि हैम्बर्ग जर्मनी में हो रहा था। श्रेयस जी हॉसर इज द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द नन यूनिफॉर्म सिविल सर्विस टू कम्प्लीट द इवेंट। ये पहले ऑफिसर है नन यूनिफॉर्म सिविल सर्विस से जो कि इस इवेंट को कम्प्लीट किए, मेकिंग दिस अ प्राउड मोमेंट फॉर द रेलवे। ये रेलवे के लिए प्राउड मोमेंट। आयरनमैन ट्राइथलॉन में कौन जीते हैं? श्रेयस जी हॉसर। ये कौन से फील्ड से? रेलवे से। और ये जो सिंगल डे का इवेंट था ये कहाँ हो रहा था? DRDO के द्वारा TDF स्कीम में कितना पैसा अलॉटेड किया गया है? 50 करोड़। पहले कितना था? 10 करोड़। और डिफेंस R&D बजट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कितना परसेंट अमाउंट दिया गया? 25%। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर्स को इलेक्ट किया गया रामकृष्ण मुंगावेले। और फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनरी लिस्ट में उनके जमाने का कितना पोजिशन है? 6 नंबर। और 7 नंबर पे मंडाली फर्स्ट नंबर पे। अब गंगा की रिपोर्ट में उनके संभाली का कितना नंबर है? 8 नंबर। और गौतम अडानी का 9 नंबर। एलन मस्क का 8 नंबर। एलन मस्क 1 नंबर। मुकेश अंबानी का वर्ड है 103.2 और गौतम अडानी का 101। UN के द्वारा कितना असिस्टेंस दिया जाएगा श्रीलंका को? $48 मिलियन का। और दिल्ली कितना दिया अभी तक? 3 मिलियन। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 9। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान अर्जित स्टूडेंट टू बी नर्चर्ड एज फ्यूचर इंटरप्रेन्योर। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये किया गया कि स्टूडेंट जो है वो फ्यूचर इंटरप्रेन्योर बने। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सेड दैट द ईरा ऑफ इंक्रीमेंटल चेंजेस इज ओवर एंड अस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू फोकस ऑन एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू डेवलप फ्यूचर रेडी वर्क। फ्यूचर में जो आने वाले समय में जो काम होगा इसके लिए डेवलपमेंट चाहिए, और इसके लिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये बताया गया है कि उस हिसाब से स्टूडेंट को फ्यूचर इंटरप्रेन्योर बनना होगा। इंडिया हैज डिमॉन्स्ट्रेट इट्स टेक्निकल कैपेबिलिटी इन मैनी प्रोग्राम। इंडिया के द्वारा टेक्निकल कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया गया बहुत सारे प्रोग्राम के लिए, जैसे कि UPI है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, आधार है। एंड दैट वी मस्ट बिल्ड ऑन दिस सिस्टम एंड क्रिएट अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स टू एक्सटेंड द चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ है 4.0 जिसमें टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा बोला गया कि स्टूडेंट को फ्यूचर इंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किया गया था इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट है अमित शाह इनॉग्रेट न्यू बिल्डिंग ऑफ नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया नया बिल्डिंग नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, और ये किया गया न्यू दिल्ली में। यूनियन होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। प्रमोट एंड ट्राइबल हेरिटेज, ये ट्राइबल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्च किया गया है, और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए
और इसमें टोटल जो पैसा एलोकेट किया गया वो है 10 करोड़ रुपया। अमित शाह के द्वारा नया बिल्डिंग नेशनल ट्राइपॉड स्टोर का वहाँ पे खोला गया न्यू दिल्ली में, और इसके लिए कितना पैसा रखा गया 10 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है सोनी एक्स सीईओ नोबुजी आईडी पास जावे, नोबुजी आईडी बुलेट जापान सोनी जापान के थे और सोनी कंपनी के फ्रॉम 1998 1998 से ये सोनी कंपनी में काम कर रहे थे और 2005 तक काम किए थे। स्टीलिंग ग्रोथ इन द डिजिटल एंड इंटरटेनमेंट बिजनेस हैज डाइड, इनका निधन हो गया। नोबुजी आईडी ये थे सोनी से, इवन एटी फोर 84 ईयर्स के थे ड्यूरिंग ही 7 ईयर्स है सीईओ फ्रॉम 1998 सात साल ये सीईओ रहे हैं सोनी के, उनका निधन हो गया। नाम था नोबुजी आईडी। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एनएसआई अप्रूव बाय कैबिनेट, कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूवल दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एनएसआईएल के साथ। द ट्रांसफर ऑफ 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू पब्लिक सेक्टर बिजनेस एनएसआईएल, पब्लिक सेक्टर बिजनेस एनएसआईएल में इसको ट्रांसफर किया गया है, विच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर आता है, हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, और ये ऑथराइज किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा। द कैबिनेट ऑल्सो ऑथराइज एक्सपेंडिंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, कैबिनेट के द्वारा ऑथराइज किया गया कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल को एक्सपेंड किया जाएगा, इसमें शेयर कैपिटल 1000 करोड़ से 7500 करोड़ तक का होगा। एनएसआईएल वॉज रिक्वायर्ड अंडर द स्पेस सेक्टर रिफॉर्म टू कंडक्ट एंड टू एंड कॉमर्शियल स्पेस ऑपरेशन एंड टू ऑपरेट एज अ फुल फ्लेज्ड सैटेलाइट ऑपरेटर, ये जो एनएसआईएल है इसको फुल फ्लेज्ड सैटेलाइट ऑपरेटर बनाया जाएगा, इसके लिए ट्रांसफर किया गया 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को एनएसआईएल के अंदर, और इसकी जो कैपिटल है वो है 1000 करोड़ से 7500 करोड़।